इस समिट पर G20 शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा बयान, ब्रेक करिए राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग लाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। इस समिट पर अमिताभ कांत का बड़ा बयान, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आज की बड़ी खबर, अब तक का सबसे सफल G20 आयोजन। अमिताभ कांत ने कहा है सभी मुद्दों पर 100% सहमति, जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भी सर्वसम्मति। बड़ी खबर है राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, प्रधानमंत्री के जो अलग अलग नेताओं से मुलाकात के शॉट थे। G20 पर शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा बयान, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये ऐतिहासिक और मील का पत्थर रही है मीटिंग, ये बड़ी खबर है। और सीधे चलिए इन विजुअल्स के साथ, सीधे चलिए, मनीष झा मेरे साथ है, मेरे सहयोगी मनीष। दिस इज रियली रियली बिग, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, यानी कि अब तक का ये सबसे एपिक और सबसे कामयाब G20 रहा है मनीष। बिल्कुल निशान देख के, ये एक ऐतिहासिक क्षण है और जो सफलता अर्जित की गई है भारत की तरफ से वो अपने आप में हिस्टोरिकल रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही दूसरे सत्र की शुरुआत में कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन को 100% सर्वसम्मति के साथ मंजूर किया जाए, और फिर सभी सदस्य देशों ने मेज थपथपाकर मंजूरी दे दी, तो दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया बटी पड़ी है, उस समय अगर हर सभी मुद्दों पर, और मुद्दों कितने, 112, एक दो नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को खबर भी ब्रेक कर देता हूं, G20 मीटिंग में भारत की बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, G20 मीटिंग में भारत की बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए। ये देखिए नई दिल्ली घोषणा पत्र पर लगी मोहर, बड़ी खबर आ रही है, सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पर लगी मोहर, यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने मंजूरी का किया ऐलान, कल जारी होगा G20 का संयुक्त घोषणा पत्र। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। सीधे चलिए, ये बहुत बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, दिस इज वेरी बिग, लेकिन पहले हम सुना देते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इसी ब्रेकिंग के बगल में, राहुल सुनाइए जरा। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है G20 के दिल्ली घोषणा पत्र पर, बड़ी खबर, ब्रेक करिए, अब तक का सबसे व्यापक और विस्तृत घोषणा पत्र विद द विजुअल्स राहुल। दिल्ली घोषणा पत्र के 112 मुद्दों पर सहमति, के मुकाबले सबसे ज्यादा मुद्दों पर सहमति, यूक्रेन विवाद के बावजूद भारत को कामयाबी। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों के शॉट्स अलग रखेगा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर इसको देखा जाए, योर टेक वेरी क्विकली। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी तो है ही, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी कामयाबी है,
100% सर्वसम्मति के साथ 112 बिंदुओं पर, आप सोचिए एक दो नहीं 112 बिंदुओं पर सर्वसम्मति होने का ऐलान प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने जिस उत्साह के साथ मेज पर हथौड़े से इसका ऐलान किया वो भी अपने आप में कीर्तिमान ही माना जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए G20 में भारत की सबसे बड़ी सफलता, और आप ये भी देखिए अब तक जितने भी G20 हुए हैं उनमें जितने मुद्दों पर सहमति हुई है उससे बड़ा विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र लेकर मेरे साथ बने रहिए। मनीष प्लीज बी विद मी, मेरे साथ हैं इस वक्त एंबेसडर दीपक वोरा। सर शार्प रिएक्शन, क्योंकि किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, थोड़ा शार्प रिएक्शन। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए सर, हाउ डू यू रेकन इट? सबसे पहले तो सर आभारी हूँ, एज ऑलवेज आपसे बहुत कुछ सीखूंगा बाकी विशेषज्ञों से। टाइम यहाँ पर 6:40 है न्यूयॉर्क में, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है और वर्षा हो रही है। मौसम की जानकारी के बाद आपको बता दूं कि आज चंद्रयान तो चंद्रमा पे पहुंचा है, हम तो सितारों से आगे निकल गए हैं। ये सर्वसम्मति से जो अडॉप्ट किया केवल भारत कर सकता था। पाली में पिछले साल आखिरी मिनट तक कोई कंसेंसस नहीं था, फिर अमिताभ कांत जो हमारे शहर पर आउटस्टैंडिंग सन ऑफ भारत, उन्होंने लीड ली, उन्होंने कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया। भारत दिल्ली में भी जो कुछ हुआ है उन्होंने किया है सब, और आज नई दिल्ली पूरी दुनिया की राजधानी है, पूरी दुनिया का भविष्य बनाया जा रहा है। आज इस वक्त हिस्ट्री इज बीइंग मेड इन द नेशंस कैपिटल। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को, राहुल जरा दिखाइए ये खबर, वीडियो वॉल के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन तस्वीर के दो पहलू हैं, महायुद्ध के हालात वहां पर हैं और यहां पर ये देखिए नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी, ये G20 में भारत की 5 बड़ी कामयाबी। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ वॉल दिखाइए, सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को मंजूरी दूसरी कामयाबी, अफ्रीकी यूनियन G20 में शामिल तीसरी कामयाबी, चौथी कठिन हालात में मुल्कों के बीच में संवाद ये बड़ी खबर है, पांचवी रूस चीन के साथ अमेरिका एक मंच पर है ये बड़ी खबर है। राहुल ये वाली ब्रेकिंग का वॉल लीजिए, और जो हमारी खबर है प्रधानमंत्री जी वाली खबर, जो घोषणा पत्र को उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, वो वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे मैं चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, मैं ये देख रहा हूं कि आज संवाद सबसे बड़ी जरूरत थी, डायलॉग सबसे बड़ी जरूरत थी, हमने उससे आगे बढ़ के डायलॉग प्लस कंसेंसस दोनों पे काम कर लिया। मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में भारत के राजनीति के लिए सबसे जटिल जो चुनौती थी उसका समाधान आज किया जा सका है। निश्चित रूप से भारत ने जितने भी गतिरोध थे वो हटाए और तमाम मतभेद होने के बावजूद एक सहमति, सर्वसहमति दिल्ली घोषणा पत्र पर हासिल कर ली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात जो आपने कही, जो संवाद की शुरुआत हुई है युद्ध से शांति की ओर, एकाएक शांति स्थापित हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, मगर जो शुरुआत है एक मंच भारत ने प्रस्तुत किया है, और भारत ने एक वैकल्पिक विश्व संरचना संगठन का एक प्रस्ताव भी सामने रखा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भविष्य का सपना है, साझेदारी है उन चुनौतियों से मिलने के लिए, वो खाद्य सुरक्षा हो, वो आतंकवाद हो, वो महामारी हो, वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो, सब में भारत अब अगुवाई करेगा, तीसरी दुनिया का ये भरोसा साफ नजर आता है। ठीक है सर, एक क्विक रिएक्शन अमिताभ जी, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं इसका इंपैक्ट आने वाले समय में चीजों पर कैसे देखना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा, भारत का दर्शक ये जानना चाहेगा इसका इंपैक्ट कैसा होगा, ये बताइए। राहुल जरा ब्रेकिंग पर नजर रखिएगा ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर। देखिए ये एक डिप्लोमेटिक कू है जो भारत ने किया, सबको अंदेशा था कि शायद ऐसा नहीं हो पाए, लेकिन भारत की कूटनीतिक जो टॉप ब्रास है उसने ये कर दिखाया। देखिए इसके लॉन्ग, बहुत लॉन्ग इम्प्लीकेशन हो, एक तो होगा कि जिस दुनिया के बीच हम हैं, जहां अशांति है, जहां खाद्य असुरक्षा है, जहां अमिताभ सर साउथ के डिवाइड बढ़े हुए हैं। अमिताभ सर मैं एक आम दर्शक के लिए जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसके लिए तीन बड़ी चीजें जानना चाहता हूं, इसमें क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, कैसे इसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी एकेडमिक नहीं, बिल्कुल बेसिक सर समझाइए जरा। सबसे बड़ा है कि भारत का जो दर्जा है दुनिया में इस समय कंसेंसस और एक मध्यस्थ के रूप में बढ़ गया है। अंडरस्टूड, पॉइंट वन। दूसरी बात, जो लीडरशिप हमारी है उसका भी इज्जत जनता में और पूरी दुनिया में एक एस्टैब्लिश हो गया। पॉइंट टू। तीसरी सबसे बड़ी बात और वो इंपॉर्टेंट है कि भारत एक इंपॉर्टेंट मध्यस्थ बन सकता है दुनिया में जितनी अशांति असुरक्षा व्याप्त है उसके लिए निशान, मतलब यानी कि दे नो द डोर टू नॉक
फॉर द इनिशिएटिव ऑफ पीस, यानी कि भारत वो दरवाजा बन चुका है और हमने ये प्रूव कर दिया है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, महायुद्ध के हालात, इस खबर पर मैं सबसे रिएक्शन लूंगा। एक क्विक रिएक्शन राहुल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, दुनिया में टेंशन है, तनाव है, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक दूसरे से बात नहीं चल रही है, रूस चीन सब तनाव में है, स्पॉइलर था चाइना, लेकिन अकेला चलो ले नहीं, वासुदेव कुटुंबकम के नारे के साथ हमने सबको अपने साथ ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, वन अर्थ सुबह हुआ था, वन फैमिली अब हो गया और वन फ्यूचर लिख दिया गया, ये बात आप समझ लें। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा संदेश है और ये जो जो विश्व बिखर रहा है, हर जगह तनाव फैला हुआ है, उस विश्व को इकट्ठा करके साथ ले जा सकने की अगर क्षमता किसी में है तो वो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, ये सिद्ध हो गया है आज। यानी कि मैं उस पॉइंट पर मैं जरूर आऊंगा जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। G20 का विश्व मंत्र क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। G20 का विश्व मंत्र जो कि दिल्ली से, जो कि हमारे भारत से निकल के जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा।